नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, किरण सार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल की पकौड़ी। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड का बहुत ही मशहूर डिश है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही शुभ चीज़ों में हमारी ये चीज़ बनाई जाती है। जैसे ही हमारे उत्तराखंड में त्यौहार शुरू होते हैं, सबसे पहले हमारी उड़द की दाल शुरू हो जाती है। ये हमारी कच्ची हुई और पकी हुई भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो आज हम किरण सार में इसको बनाने जा रहे हैं, इसकी पकौड़ी, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी लोबिया की दाल भी। जो लोबिया की दाल इसके अलग से भी बनते हैं, लेकिन मैं आज इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ बनाऊँगी। थोड़ा सा उड़द की दाल और थोड़ी सी इसको हम लेंगे लोबिया की दाल। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इसे हम भिगाने, जो कि हमें एक रात को इसको पूरा भिगाना पड़ेगा या 4-5 घंटे भिगाने पड़ेंगे, उसके बाद तब हमारी पीस के तब बनेगी हमारी पकौड़ी। दोस्तों, दाल हमारी भीग चुकी है और यह मैंने 4-5 घंटे भिगाई है, और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये पीस इसको कैसे पीसूँगी और इसमें हमें क्या क्या डालना है। पीसने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा मिक्सी का जार, जो हम डालेंगे इसमें अपनी दालें, और फिर हमें क्या करना है, इसमें डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च सूखी, लाल मिर्च भी पीसी हुई डालनी है हमने, और हरी मिर्च भी डालेंगे, जिससे हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि ये है उड़द की दाल, ये थोड़ा सा शरीर में बाधी करती है या बाई देती है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी इसमें यूज़ करेंगे हम लोग हींग, जो कि हमारी हींग होती है घर में रखी हुई, वो हींग का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पीसते हैं इसको और देखते हैं कैसे बनेगी हमारी पकौड़ी। दोस्तों, मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ गैस में और तेल डाल चुकी हूँ सरसों का उसके ऊपर। अब हमारा ये पीस गया है और हमने तिल भी निकाले हैं। कोशिश तो करी थी कि हम अपनी छेद वाली, जो हमारी उत्तराखंड की फेमस होती है, वो बनाएंगे, लेकिन वैसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो हमारी उड़द की दाल है, और मैंने इसमें छिलकों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि छिलके भी हमारे दाल को, दाल में प्रोटीन छिलकों में ही होता है, तो वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हमने इसी में डाला हुआ है। तो अभी थोड़ी सी ये थोड़ी ढीली हो गई है, तो इसको हम खाली गोल गोल बना देंगे। दोस्तों, वैसे तो पकौड़ी निकालते समय हमें छन्नी का प्रयोग करना है, लेकिन दाल जो होती है वो गीली होती है तो आपस में चिपक जाती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो दाल है वो आपस में चिपके नहीं। छन्नी से क्या होता है कि छन्नी में भी वो चीज़ लग जाती है और तेल हमारा काफ़ी छन्नी में भी आ जाता है और पकौड़ी भी टूट जाती है। इसके लिए हम एक चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई पतली धार वाली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने चाकू की सहायता से कैसे इसको अलग अलग कर दिया है, और आप लोग भी कोशिश कीजिए डायरेक्ट आप उस पर छन्नी का इस्तेमाल ना करके कोई धारदार वाली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ताकि वो अलग अलग रहे। और दोस्तों, साथ ही अब हम निकालने जा रहे हैं, तो निकालते समय क्या होगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पकौड़ी वाला जो तेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई में ही रहे, उसके लिए हमें थोड़ा पकौड़ियों को नितार के करना पड़ेगा। और जो कि हम ये कर रहे हैं, अब हम देखिए मैंने निकाली है, थोड़ा सा छान, थोड़ा सा इसको ऐसे हिला के, ताकि तेल जो है कढ़ाई में चला जाए, और इस प्रकार हम अपनी पकौड़ियों को बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बनी हमारी पकौड़ी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो तरीका है बनाने का वो बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन थोड़ा सावधानी का हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तेल की चीज़ें हैं, तेल दोस्तों बहुत गर्म होने पे बहुत ही थोड़ा डरने वाली चीज़ हो जाती है। तो अपनी सावधानी का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर छींटे ना आए या तेल गिरे ना, या कढ़ाई हमारी हिलती भी ना हो, सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर दोस्तों, जो हमने आज ये बनाई है, ये हमारी उत्तराखंड की बहुत ही मशहूर पकौड़ियाँ होती हैं। अभी मैंने इसे सिर्फ ऐसी वाली शेप देके बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपको जो हमारे जो जिसे हम बोलते हैं सुनटे की दाल, यानी कि लोबिया की दाल, उसकी पकौड़ी बनाऊंगी, तो वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनेगी। मेथड यही रहेगा, लेकिन शेप उसकी थोड़ी सी चेंज आएगी। तो दोस्तों, छिलके भी इसमें हमें जरूर डालने हैं, छिलकों का बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि छिलकों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो, और फाइबर होता है, तो इसलिए हमें वो फेंकना नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।